हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, वहां पर किन किन मुख्यमंत्रियों का कब तक कार्यकाल रहा। तो समय समय पर वहां पर प्रेसिडेंट का भी रूल लगा है, लेकिन यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्रियों के बारे में ही बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने यशवंत सिंह परमार, इनका कार्यकाल रहा 8 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक। यशवंत सिंह परमार को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ पर इनका कार्यकाल रहा 1 जुलाई 1963 से 28 जनवरी 1977 तक। हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने ठाकुर रामलाल, इनका कार्यकाल रहा 28 जनवरी 1977 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक। हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने शांता कुमार, इनका कार्यकाल रहा 22 जून 1977 से लेकर 14 फरवरी 1980 तक। ठाकुर रामलाल को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस वक्त इनका कार्यकाल रहा 14 फरवरी 1980 से 7 अप्रैल 1983 तक। हिमाचल प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने वीरभद्र सिंह, इनका कार्यकाल रहा 8 अप्रैल 1983 से लेकर 8 मार्च 1985 तक। वीरभद्र सिंह को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस वक्त इनका कार्यकाल रहा 8 मार्च 1985 से लेकर 5 मार्च 1990 तक। शांता कुमार को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त इनका कार्यकाल रहा 5 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक। वीरभद्र सिंह एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 3 दिसंबर 1993 से लेकर 23 मार्च 1998 तक। हिमाचल प्रदेश के पाँचवें मुख्यमंत्री बने प्रेम कुमार धूमल, इनका कार्यकाल रहा 24 मार्च 1998 से लेकर 5 मार्च 2003 तक। वीरभद्र सिंह को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 6 मार्च 2003 से लेकर 30 दिसंबर 2007 तक। प्रेम कुमार धूमल को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त इनका कार्यकाल रहा 30 दिसंबर 2007 से 25 दिसंबर 2012 तक। वीरभद्र सिंह को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्रदान हुआ। उस वक्त उनका कार्यकाल रहा 25 दिसंबर 2012 से 27 दिसंबर 2017 तक। हिमाचल प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर, इनका कार्यकाल 27 दिसंबर 2017 से शुरू हुआ और वर्तमान तक ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को जानकारी प्राप्त हो जाए।